बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ज़रा मेरी आम दूसरी वीडियो से ज़रा हटके है। मैंने पहले इस तरह की वीडियो जो है वो ट्राई नहीं की, लेकिन आज मैं जो है वो वीडियो नए तरीके से बनाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपके सामने दो बाइक्स हैं, ये YBR यामा का YBR है 125, और ये हुंडा का है। आप देख रहे होंगे हुंडा है CB 150F। ये देखें आप गाड़ी, और ये बड़ी कितनी बड़ी गाड़ी लग रही है, ये देखें ये। अच्छा, ये दोनों गाड़ियां जो है वो मेरे बेटे का शौक़ है, तो ज़ाहिर है जो बेटे का शौक़ होता है वो फिर बाप को भी शौक़ करना पड़ता है। दरअसल मैं ना 83 से, जब मैंने ताज़ी BSc की थी, तो मैं 83 से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो है वो रख रहा हूँ। मैंने 12,500 रुपये का नया जो है वो 70 लिया था, काले रंग का। उसके बाद मैंने यामा 4 भी चलाया, यामा 2 स्ट्रोक भी चलाया, उसका एक मॉडल था एक्सीलेंस वो भी चलाया, तो CD भी चलाई। अच्छा, फिर तकरीबन एक लंबे अरसे तक ना, तकरीबन कोई 2000 ऐसे समझ लें कि 8-9 के बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर मतलब मोटरसाइकिलें जो है मुझे फिर ज़रूरत पड़ी, तो फिर हमने CD ले ली। बेटा क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इसको मैंने एक CD ले दी थी। घर में ज़रूरत पड़ती तो वह CD रखी हुई थी, तो लोगों को देखते थे। फिर जनाब ये हम 2017 में, मैं 18 में जब मैं उमरा करके आया, तो बेटे ने कहा जी मैंने तो मोटरसाइकिल जो है वो तब्दील करनी है। तो फिर बेटे ने पहले जो है वो मोटरसाइकिल जो है इससे पहले वाला जो गोल बत्ती वाला होता है इसका, यामा का, जिसकी सीट बिल्कुल सीधी होती, चूँकि हमने चूँकि घरों में भी इस्तेमाल करनी होती है, इस पर थोड़ा सा बैठना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखें ना, अगर इसकी सीट थोड़ी सी आप देखें तो ये कर्व है इसमें, और टैंकी या छोटे बच्चे को बिठाना हो तो ये, जब छोटा था मेरा बेटा, जब छोटा था तो इसको मैं वो हमारे पास जो CD थी या यामा था उसकी सीट पर बिठा के लिए फिरता था। इसमें ज़रा बच्चे को बिठाना थोड़ा सा मसला है, तो फिर वो ले लिया गोल बत्ती वाला यामा। फिर ये बेटे ने कहा नहीं बाबू, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने तो जनाब ये YBR लेना है, जरा स्पोर्ट्स लुक है इसकी, ज़रा हैवी बाइक सी महसूस होती, ये ले ले भाई। तो इसने ये फिर ये ले लिया, ये वाला नया था ये मोटरसाइकिल जो है। तो ये तकरीबन 2019 से हमारे पास है। अब ये जुलाई 2023 में ये बेटे ने फिर ये ले लिया। अच्छा, इससे पहले बेटे ने इसी का हुंडा का जो है ना मॉडल, हुंडा का एक जो सादा हुंडा है, इसका सादा 125 जो है, वो छोटी मोटरसाइकिल जो 125 की होती है, इसके साइज़ से वो छोटी होती है, वो वाली जिसे वो CG मेरा कल कहते हैं वो, और एक इसका मॉडल जो है वो डिलक्स मॉडल है, वो थोड़ा सा उसको CB F कहते हैं मेरा ख्याल, या इस तरीके का वो बड़ा है, वो नीले रंग की थी वो गाड़ी, वो दोनों हमारे पास थी, वो भी चलाई, वो सादा भी चलाया। तो मैं जब उसको और उसको चलाता था उन दोनों को, यानी सादा CG हुंडा जो है 125 और ये, दोनों हमारे पास रही कुछ अरसे के लिए, तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था, पाँव जलते थे नीचे से, ऐसे गर्म हो जाता था मोटरसाइकिल जो है। और इस वाला जब इसको चलाते थे तो बड़ा मज़ा आता था इसको, इसका बैलेंसिंग बड़ी अच्छी है, इसका मतलब स्मूथ था, इस पर तकरीबन आप 60-70 किलोमीटर सफ़र तय करें तो थकते नहीं हैं, उस पर तो भाई ये पसलियाँ जो है वो अंदर चल जाती है। इसका ना सस्पेंशन बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी सस्पेंशन है इसकी, बैंसर लगा हुआ है। अच्छा, इसको देख के फिर जो है ना वो मेरे बेटे को ख्वाहिश थी कि मैंने बड़ी मोटरसाइकिल भी लेनी। अब चूँकि पाकिस्तान में या तो वो पुरानी मिलती हैं, महंगी बहुत हैं, तो ये तकरीबन 5 की रेंज में थी। फिर मेरे बेटे ने ये जुलाई 2020 में ये ले ली, ये वाला 150 है, ये हुंडा ये नया लिया था। अब ये तकरीबन सिर्फ 3200 किलोमीटर चला हुआ है, और ये वाला जो है वो तकरीबन जो है वो 24,000 किलोमीटर के लगभग चल गया है। अब अगर आप देखें तो इसका टायर जो है वो देखें ज़रा, इसका टायर मोटा है, तो ये हमने ज़रा बड़े साइज़ का डाला हुआ, हालांकि जो रिकमेंडेड है ये तकरीबन दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन ये टायर टिम्सन का टायर है, ये देखें ये काफ़ी बड़ा है। इसी तरीके इसका टायर थोड़ा सा हल्का है। अच्छा, डिस्क ब्रेक जो है ना इसका सिंगल पिस्टन है इसका, लेकिन उसका जो है वो डबल पिस्टन है, ये भी एक एडवांटेज है। इसी तरीके से इनका जो पीछे वाला टायर है इसका, ये पहले वाला टायर है, और मेरा ख्याल है एक भी दफ़ा पंचर नहीं हुआ, और ये पहले वाला है जो लग के आया था वही वाला है, लेकिन उसका जो टिम्सन का टायर है काफ़ी बड़ा टायर है इसका भी और इसका भी। जब हम भगाते हैं ना तो रोड पर, इसका भी बड़ा स्मूथ ड्राइव है, लेकिन जब भी इसके पास कार गुजरती है ना तेज़ से, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं जैसे 70 करती है, ऐसे नहीं जैसे प्राइडर के पास से गुजरे तो ऐसे नहीं, लेकिन इस पर थोड़ा सा महसूस होता है, वो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है उसके ऊपर पास, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की भी है, उससे उतर कर जब इसके ऊपर बैठते हैं तो काफ़ी वो वाली भारी लगती है। वो जब 80 से ऊपर जाती है तो ऐसे चलती है जैसे ज़मीन के अंदर धंस रही हो, ऐसा मज़ा आता है, हल्की हो जाती है आवाज़, साउंड बड़ी प्यारी हो जाती है इसकी, इस मोटरसाइकिल की, इस वाले की, जब आप चलाते हैं।
बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप कहें कि जी 70 cc या मतलब प्राइडर और जैसे इनका फर्क है, ऐसा नहीं है। उसका और इसका फर्क तो है, 19-20 नहीं है, मैं ये कहूंगा कि वो 18 और ये 20, इतना फर्क है। क्योंकि दोनों की कीमतों का भी फर्क है, ये तकरीबन 5 लाख में पड़ती है, वो तकरीबन कुछ सबक 4 लाख के लगभग पड़ती है। उतना की फर्क है इसमें, दोनों में फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हमने तकरीबन दोनों ने, बाप बेटा ने तकरीबन एक दिन 120 के लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय किया है इस मोटरसाइकिल पे। बिल्कुल मुझे जैसे समझ लें जो हवा लगती है, जो मिट्टी पड़ती है वही थी, ऐसे समझ लें आप जैसे गाड़ी की मतलब कार की सीट पे बैठे हों, ऐसी है। बड़ी बेहतरीन स्मूथ चलती है, बहुत प्यारी, थकता नहीं है बंदा, ना इस पर थकता ना उस पर थकता है। लेकिन जितना फर्क है चलाने में वो ड्राइव में, बस उतना की फर्क है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। गाड़ियां बड़ी हिफाजत से मतलब रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, ऑयल वगैरह सफाई मेरे बेटे को बहुत मतलब जो है वो बार बार इनको धुलवाता रहता है, साफ करता रहता है, ऑयल बड़ा वक्त पे चेंज करता है। जहाँ ऑयल से मुझे बात याद आ गई कि ऑयल लोग अक्सर पूछते हैं, मैं देखता हूँ तो वो वीडियो में भी होता है, मैसेज भी आए हुए होते हैं, एक दो वो ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं बेटे ने भी मैंने भी, तो उसमें वो पूछ रहे होते हैं कि यार ये ऑयल कौन सा अच्छा है। तो भाई मेरी जो है, हमने इसमें पहले भी इसमें जो है वो जिक का M9 है वो डाला हुआ था, जिक का M9, इसमें भी जिक का M9 है। और ये कल मेरे बेटे ने इसमें भी चेंज करवाया है, पहले जो है वो इससे पिछले वाला ग्रेड था, अब इसमें भी M9, जिक का M9 जो है वो डाला है हमने। दोनों में हम जिक का M9 डालते हैं, बहुत अच्छा ऑयल है, स्मूथ है, गाड़ी की साउंड ही तब्दील हो जाती है। तकरीबन लगभग 2100 का मिलता है, 1 लीटर इसमें डलता है, 1 लीटर इसमें डलता है, दोनों का। और वो डालें आप दोनों का, और ये गाड़ी का जनाब ड्राइव का मज़ा लें, और चाहें देखें साउंड बिल्कुल आप फील करेंगे, गाड़ी की साउंड ही तब्दील होगी, बिल्कुल आप देखेंगे अब मतलब गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। और तकरीबन 3000 किलोमीटर चलाएं, बार बार इसका पेट्रोल ऑयल निकालें जनाब, इसका वो ब्लैक निकालें, बदले से झंझट से निकलें। इनका अपने वाला तो जो है वो 1000-1200 चलाते हैं, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको फुली सिंथेटिक ऑयल है, इसकी गाड़ी की जो है ना वो उम्र बढ़ती है उससे, बहुत अच्छा ऑयल है, इसका लुब्रिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वो डालें आप दोनों में, यामा में भी और उसमें भी। वो कंपनी वाले कहते हैं जी हमारा डालें, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इसमें, मैं आपको कहूँगा वो जिक का डालें आप, M9 जो है बहुत अच्छा ऑयल है। इसके अलावा जो है और कोई अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं एक ज़रूर कहूँगा कि बच्चे बहुत सारे दोस्त होते हैं वो शीशे ही उतार के चलाते हैं, मैं नहीं कहूँगा, आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि शीशे उतार के चलाएं, शीशे लगा के चलाएं गाड़ी। घर में शहर में भी चलानी है शीशे लगाएं, हेलमेट के बगैर गाड़ी नहीं चलानी, जो मर्ज़ी हो जाए हेलमेट के बगैर नहीं चलानी। और लास्ट में ये भी कहूँगा लाइसेंस भी बनवाएं, लाइसेंस के बगैर सीख के लाइसेंस बना के जो है वो गाड़ी चलाएं। और मैं बड़े लोगों को जो वालदैन की वालदैन हैं उनसे दरख्वास्त ये करूंगा कि अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे इतने इतने बच्चे होते हैं, उनको भी गाड़ियां यार दे देते हैं, वो गलियों में लेके इतनी तेज़ भगा रहे होते हैं, कहीं कहाँ गिरे पड़े होते हैं, ख्याल ही नहीं करते, उनको इतनी सेंस ही नहीं है कि हमने यार मोटरसाइकिल नहीं चलानी, इतनी मतलब शोर करवाते हैं। कई दफ़ा हम गुजरते हैं तो पास से पानी में से ऐसे गुजरते हैं, कपड़े सारे ख़राब कर देते हैं, मतलब हिट कर जाता है कई दफ़ा। तो मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे, नासमझ बच्चे जो होते हैं, उनको आप मोटरसाइकिल ना दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें हौसला होता है। घंटी का बटन भी दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लीज़ लाजमी करें। शुक्रिया जी।